हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस प्याज वाली कचौरी। प्याज वाली कचौरी खाना किसको नहीं पसंद? प्याज की कचौरी सबको बहुत ही पसंद होती है। आज उन कचौरियों को हम घर पे बनाएंगे। बहुत ही आसान है इन कचौरियों को बनाना, तो चलिए इन कचौरियों को हम बनाना शुरू करते हैं। कचौरी बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में हम एक बाउल मैदा डाल देंगे। मैदा डालने के बाद इसमें हम 2 चम्मच सूजी डाल देंगे, जिससे कचौरियों में क्रिस्पीपन आएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी कचौरी खाने में। साथ ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसमें हम 3 से 4 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से कचौरी जो है वो बहुत ही खस्ता बनती है। तो घी डालने के बाद इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसका हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। डो हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना, हमें इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हम डो तैयार करते जाएंगे। तो डो तैयार करने के बाद इसको हम इस तरह से हाथों से मसल लेंगे। डो लगाने के बाद इसको हम इस तरह से 10 से 12 बार पटक लेंगे, जिससे ये फ्लफी बनेगा और हमारी जो कचौरी वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से पटकने के बाद इसको हम एक बार फिर से दोनों हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे और मसल के इसका हम डो तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, डो हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो इसको हम थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ देंगे। थोड़ा सा घी इसके ऊपर लगा लेंगे और कपड़े के साथ कवर कर देंगे और कवर करके 10 से 15 मिनट इसको हम रेस्ट पे छोड़ेंगे। रेस्ट पे छोड़ने के बाद इसकी हम फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे हम एक कढ़ाई में घी डाल देंगे। घी डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरे को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जीरे को फ्राई करने के बाद इसमें हम सूखा धनिया के दाने डाल देंगे। यहाँ पे मैंने इनको हल्का सा क्रश कर लिया। साथ में थोड़ी सी हींग डाल देंगे, जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। हल्का सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसमें हम अदरक डाल देंगे और अदरक को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि अदरक का जो कच्चापन है वो इसमें से निकल जाए और थोड़ा सा इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो अदरक का यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। तो इसमें मैंने 2 से 3 बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। साथ ही मैंने इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें हम 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे इसमें काली मिर्च डाल दी है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार इसमें आप नमक डाल सकते हैं। और इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा इसमें हमें कच्चापन रखना है। थोड़ी देर इसको हम इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। और साथ ही यहाँ पे इसमें हम थोड़ी सी सूखी हुई मेथी डाल देंगे। मेथी डालने के बाद इसको हम एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ी देर इनको हम और पकाएंगे। बाइंडिंग के लिए इसमें हम 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन डालने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। बेसन को हम इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से और चलाते हुए पका लेंगे।
ये लीजिए, हमारी कचौरी के लिए फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर इसको हम ठंडा होने देंगे। तो हमने जो डो लगाया था उसको हम चेक करेंगे। तो इसको हम एक बार फिर से हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। हमारा जो डो है वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो इसके हम बॉल्स बना लेंगे। तो इस तरह से इसकी हम छोटी छोटी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, कुछ इतनी यहाँ पे मैंने इसकी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। तो कपड़े के साथ इसको हम ऊपर से ढक देंगे। तो इनको अब हम बेल लेंगे। जिस तरह से हम पूड़ी को शेप देते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको हम बेलेंगे। पूड़ी के साइज़ का इसको हम बेलकर तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद इसमें हमने जो फिलिंग तैयार की है उसको भर देंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग इसमें आप मत भरिए। फिलिंग डालने के बाद इसको हम ऊपर से इस तरह से कवर कर लेंगे। जिस तरह से हम मिस्सी रोटी बनाते हैं और उसमें फिलिंग भरते हैं बिल्कुल उसी तरह से फिलिंग भर के इसको हम ऊपर से कवर करेंगे। और कवर करके इसको हम हल्के हल्के हाथों से ऊपर से इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हम इनको ऊपर से प्रेस करेंगे। तो बस इसी तरह से हम सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से कचौरी बनाकर तैयार कर ली है। तो बाकी की कचौरियाँ भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार करते हैं। तो फिर से हम एक बॉल ले लेंगे और उसको हम बेल लेंगे। और बेलने के बाद इसमें भी हम उसी तरह से फिलिंग भर लेंगे। फिलिंग भर के इसको भी हम ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और कवर करके इसको भी हम उसी तरह से कचौरी की शेप दे देंगे। तो ये लीजिए, दूसरी भी यहाँ पे मैंने कचौरी बनाकर तैयार कर ली है। तो ये लीजिए, कचौरियाँ यहाँ पे हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। तो इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को गर्म अच्छी तरह से कर लिया है। तो एक एक करके कचौरी हम इसमें डाल देंगे। कचौरी को हमें पहले पूरी तरह से फ्राई नहीं करना, 1 से 1.5 मिनट तक इनको हम फ्राई करेंगे। तो एक बार फ्राई करने के बाद इसके हम साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद हल्का सा हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। और इनको हम कढ़ाई में से एक बार निकाल लेंगे क्योंकि हम इनको दोबारा फ्राई करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने कचौरियाँ निकाल ली हैं और बाकी की कचौरियों को भी मैं थोड़ी देर ही फ्राई करूँगी। तो इनको भी अब हम निकाल लेंगे। और जो हमने कचौरियाँ फ्राई की थी एक बार फिर से उनको हम दोबारा तेल में डाल देंगे और दोबारा फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इनको हम फ्राई होने देंगे। इनको हम अगर मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ये अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से पक कर तैयार होंगी। ये पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगी,
तो मीडियम फ्लेम पे इस तरह से इनको हम पकाते रहेंगे। हल्का हल्का सा तेल इनके ऊपर डालते रहेंगे, ये थोड़ी सी फूली फूली बनेंगी। तो इनकी हम साइड चेंज कर देंगे और साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इनको हम पकने देंगे। तो ये देखिए इनके ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और ये अंदर से भी अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुकी हैं। इनको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया। तो इनकी एक बार हम साइड चेंज कर देंगे। और हल्का सा इसको हम नीचे से और फ्राई होने देंगे। तो ये लीजिए कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इनको निकाल लेंगे और बाकी की जो कचौरी है उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ठीक, उनको भी हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। तो ये लीजिए हमारी बिल्कुल बाजार के जैसी प्याज वाली कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। होप करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिल